गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, कुशल से होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। आज फिर हिंदी की क्लास में आज मैं आपको फिर से सिखाऊंगी कि हिंदी के अक्षर कैसे लिखते हैं। उससे पहले हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैम ने आपको सिखाया था ये सेमी सर्कल बनाया, फिर वहीं से फिर से एक सेमी सर्कल नीचे बनाया, थोड़ा सा आगे ऊपर ले गए स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, और ये क्या बन गया, और ऊपर से ये बंद कर दिया, ये बन गया छोटा से, ये बन गया छोटा से अनार, ये है छोटा से अनार। और उसके बाद दूसरा अक्षर मैम ने सिखाया था इसको भी ऐसे लिखते हैं सेमी सर्कल, फिर वहीं से बिना पेंसिल उठाए वापस लेके गए, फिर एक और सेमी सर्कल और इसको थोड़ा सा ऊपर निकाल लिया और स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन गया बड़ा से आम, बड़ा से आम, ये है बड़ा से आम। ओके चलो, तो आपने ये सीखा था इन इन अक्षरों को कैसे लाइन में लिखते हैं। आज फिर मैं आपसे सिखाएंगी कि आगे के इसके बाद क्या आता है, यह है छोटा से अनार बड़ा से आम, उसके बाद आता है ये छोटी से इमली, और ये छोटी से इमली ऐसे बनती है, और ये है बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, ईख आपने देखा है गन्ना, गन्ना खाया है कभी, ये गन्ना है इसको ईख भी कहते हैं, ठीक है। ये है बड़ी से ईख, छोटा से अनार बड़ा से आम, छोटी से इमली बड़ी से ईख। तो ये दो हम लोग कर चुके हैं कैसे लिखते हैं लाइन में। आज मैं आपको सिखाएंगी छोटी से इमली बड़ी से ईख कैसे लाइन के अंदर लिखते हैं। जैसे आपके हिंदी की कॉपी में टू लाइंस है, वो टू लाइंस कॉपी में कैसे लिखा जाता है मैम आपको आज सिखाएंगे। जल्दी से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिर मैम आपको सिखाएंगी कि हम कैसे लिखेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, ये ऐसी लाइन आपकी कॉपी पे बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट द डेट, हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे, और आज की डेट है 29.7.2020। ओके चिल्ड्रन, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप सी डब्ल्यू लिखेंगे। तो हमेशा यहाँ देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में डेट और राइट हैंड साइड में सी डब्ल्यू। ओके ना, सबसे पहले ये बड़ा से आम के बाद क्या आता है, क्या बताया था मैम ने, छोटी से इमली। अब इमली कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए, ये आपको वन टू लाइन दिख रहा है, फर्स्ट टू लाइन में ये वन टू लाइन के अंदर लिखेंगे, लाइन के बाहर नहीं। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। ओके, पहले आपने स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाई, उसके बाद आपने छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना के बाद आपने सेमी सर्कल बनाया, सी बनाते हैं ना, तो वैसे ही सेमी सर्कल बनाया और बिना पेंसिल उठाए इसी को फिर से घुमा दिया और फिर सेमी सर्कल उल्टा बनाया और ऊपर एक छोटा सा गोला बना के नीचे ले आया इसकी टेल, ये बन गया छोटी इसे इमली और ऊपर स्लीपिंग लाइन से बंद कर दिया, ये बन गया छोटी इसे इमली, ये है छोटी इसे इमली,
आप क्या करेंगे, टू लाइन छोड़ेंगे, वन टू वन टू, टू लाइन छोड़ने के बाद फिर से लिखेंगे, फिर से ब्लू लाइन पे आएंगे, एक छोटा सा सैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर सेमी सर्कल, ठीक है, फिर उल्टा सेमी सर्कल बिना पेंसिल उठाए घुमा दिया, फिर ये गोला ऊपर लूप बनाते हुए गोला बना के नीचे ये टेल बना दी, ये बन गया छोटी ई से इमली। बिना पेंसिल उठाए आपको लिखना है, ठीक है, और पेंसिल दूर पकड़िएगा, ओके। फिर से देखेंगे, वन और टू, वन एंड टू, इसको लिखने के बाद वन लाइन पूरी, ये वन लाइन छोड़ेंगे और ये वन लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद थर्ड लाइन पे आएंगे, फिर लिखेंगे छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, फिर उल्टा सेमी सर्कल, लूप बनाया और टेल बनाया, ये बन गया छोटी से इमली, छोटी से इमली। ओके चिल्ड्रन, अब आप बगल में आएंगे, नेक्स्ट छोटी ई से इमली के बाद आता है बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, जैसे बड़ी ई से ईख भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस उसके ऊपर आपको सेमी सर्कल लगाना है। फिर से देखिएगा, ये है स्लिपिंग लाइन, फर्स्ट लाइन से खींचा स्लिपिंग लाइन, सेमी सर्कल, उल्टा सेमी सर्कल, देन सर्कल बनाया, गोला बनाया और ये टेल, ये बन गया छोटी से इमली, छोटी से इमली बना। अब इसको इसके ऊपर आप ऐसे करके सेमी सर्कल बना देंगे, इस स्लीपिंग लाइन के ऊपर सेमी सर्कल बना देंगे, ये बन गया बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, ओके चिल्ड्रन, ठीक है, ये है बड़ी ई से ई। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी ई से ई का आपने लिखा, ये टू लाइंस में, वन टू लाइंस में, उसके बाद ये वन लाइन और ये वन लाइन, ये दो टू लाइंस आप लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, वन लाइन छोड़ेंगे, टू लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद थर्ड लाइन से फिर से लिखेंगे, ओके। ध्यान से देखिए, सेंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, उल्टा सेमी सर्कल, फिर छोटा सा सर्कल बनाइए और ये टेल, ऊपर इसको बंद करिए और इसके ऊपर बना दीजिए सेमी सर्कल, ये बन गया आपका बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक। फिर से एक वन लाइन छोड़ेंगे, टू लाइन छोड़ेंगे, ओके, वन टू, टू लाइन यू विल लीव, आप छोड़ेंगे, उसके बाद थर्ड लाइन से आप लिखेंगे सेंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, फिर आपने गोला बनाया और नीचे टेल, स्लीपिंग लाइन और ऊपर सेमी सर्कल, ये बन गया बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक। गॉट इट चिल्ड्रन, अब इस काम को आप ऐसी नीटली सी डब्ल्यू कॉपी में लिखेंगे, ओके, मैम पीपीटी एक्स भेजेंगी आपको, उसी को देख के आप बहुत अच्छा अच्छा कॉपी में सुंदर सुंदर ये काम करेंगे आप लोग, ओके चिल्ड्रन। और इसके बाद एक होमवर्क भी मैम और दे रही है, क्योंकि हम लोग ने छोटा से अनार बड़ा से आम कर लिया है और ये छोटी से इमली बड़ी से, ये हम होमवर्क करेंगे वन पेज में, ओके चिल्ड्रन, वो भी मैम बताने जा रही है कैसे करेंगे, ओके, सो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि कैसे करना है, ये वन पेज में ये करेंगे, फिर दूसरे पेज में मैम दूसरा काम दे रही है, ओके चिल्ड्रन। Children, you will write the date in the next page also. हम लोग दूसरे पेज में भी डेट लिखेंगे, ठीक है, और ये है आपका एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू था आपका, ये है एच डब्ल्यू, ओके, तो डेट और एच डब्ल्यू वहां लिखेंगे, ओके चिल्ड्रन। अब आप जो मैम ने आपको कराया था, पहला अक्षर था छोटा से अनार, ओके, तो आप ये दो लाइन में, फर्स्ट टू लाइन में आप छोटा से अनार लिखेंगे ऐसे, ओके, सेमी सर्कल, फिर एक और सेमी सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन, सेमी लाइन और ऊपर
स्लिपिंग लाइन, ओके। फिर नेक्स्ट बगल में आप देखेंगे फिर सेमी सर्कल, एक और सेमी सर्कल, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन, ये बन गया बड़ा से आम, छोटी से इमली और ये है बड़ी से ई। ओके चिल्ड्रन, सो ये आपका होमवर्क है, आप इसको बहुत नीटली अपनी कॉपी में करेंगे टू लाइन छोड़ के, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे सुंदर सुंदर, और छोटा सा अनार जब लिखेंगे उसके बाद टू लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ओके, टू टू लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे, ओके। यह है छोटा से अनार, फिर टू लाइन छोड़ेंगे, फिर ये छोटा से अनार, ये वन पेज में आप ये करेंगे, ठीक है। फिर ये बड़ा से आम है, इसके नीचे टू लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे, बड़ा से आम, फिर टू लाइन छोड़ेंगे, बड़ा से आम, फिर नेक्स्ट है यह है छोटी से इमली, टू लाइन छोड़ेंगे, स्टैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल और ये टेल बनाया, ये बन गया छोटी इसे इमली, फिर टू लाइन छोड़ेंगे, सेमी लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, फिर छोटा सर्कल बनाया और टेल, ये बन गया आपका छोटी से इमली, बड़ी से ई, लीव टू लाइंस, ये दो लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे, सेंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ओके चिल्ड्रन, दिस इज बड़ी से ई, बड़ी से ई, उसके बाद यहाँ पे फिर से टू लाइन छोड़ेंगे, टू लाइन छोड़ के फिर से आप लिखेंगे सेंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, रूप एंड टेल, और ऊपर ये सेमी सर्कल बनाया और ये स्लिपिंग लाइन, ये बन गया बड़ी से ई, बड़ी से ई। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट चिल्ड्रन, सो आपने देखा ये छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, ये चारों अक्षर मैम ने आपको सिखा दिया है, आपको लाइन में कैसे लिखना है मैम ने वो भी बताया है, तो दो तो आपके पास आज जो है टू पेज करना है, ठीक है, छोटी से इमली, बड़ी से क्लास वर्क है, और ये पूरा ये चार अक्षर, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, ये आपका होमवर्क है। तो ये टू पेज ऑफ वर्क आप अपने हिंदी वन कॉपी में अच्छे से नीटली लिखेंगे, साफ साफ, सुंदर सुंदर और अच्छी हैंडराइटिंग में, जैसा मैम ने बताया है, आप लाइन के बाहर नहीं निकालेंगे। ओके चिल्ड्रन, आप अगर बड़ी छोटी से इमली ऐसे लिखेंगे ऐसे तो ये रॉन्ग है, ओके, ये वन और ये टू, ये टू लाइंस के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है, इतनी सारी लाइंस की ना, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री लाइंस के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे टू लाइंस के अंदर ही लिखना है छोटा छोटा, ओके, ट्राई टू, कोशिश करेगा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, खूब प्रैक्टिस करेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सुंदर आप लिखेंगे। ओके चिल्ड्रेन, सो गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन।